जी एक्चुअली थपकी ने चिकन खा लिया था हमारे घर में. जो हमारा पूरा घर जो है वो शुद्ध शाकाहारी है, प्योर वेजिटेरियन. तो थपकी ने गलती से चिकन खा लिया था और वो एज़ यूजुअल चिकन जो है वो मेरे थ्रू लाया गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो किसी भी चीज़ के लिए अच्छी हो और उसकी तारीफ़ हो. तो वो चिकन खाने के बाद दादी ने बोला, भाई हमारे घर में सब शुद्ध शाकाहारी है, तो आपका शुद्धिकरण होगा एंड देन ओनली आप फिर अपने हमारे घर में वापस आ सकते हो. तो वही पूजा हम लोगों ने बाहर की है जहाँ पे थपकी का शुद्धिकरण हुआ है. हाँ एक्चुअली वो जो बाल्टी है जिसमें जिससे उसका शुद्धिकरण होने वाला है, जिसमें गंगा जल है, उसमें मैंने एक्चुअली एसिड मिला दिया है. और मैं चाहती हूँ कि वो बाल्टी से थपकी गंगा जल जो है समझकर अपने ऊपर डाले और उसका सारा का सारा फेस ख़राब हो जाए. बिकॉज़ मुझे ध्रुव और थपकी की सच्चाई पता चल गई है और वहाँ से मुझे लगता है कि अगर मेरे और ध्रुव के बीच में कोई आता है तो वो है थपकी का मासूम सा चेहरा, और उस चेहरे को मैं ख़राब कर दूँगी. तो वो मेरी साजिश है. और रही बात बिहान की, यस बिहान को लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है, बिकॉज़ उसको घर के अंदर जो मैंने एसिड की बॉटल फेंकी होती है वो मिल जाती है, और वो मुझे आके उसको लगता है कि शायद मैंने इसमें कुछ गड़बड़ की है. तो वो ये आके वो करता है और मुझ पे ऊपर से कुछ एक चीज़ डालता है जिसको सबके सामने वो प्रूफ करता है कि वो एक अंडा है, जबकि वो अंडा नहीं होता है. और सबको लगता है कि अगर नहीं भी है या है भी तो पंडित जी भी यही हैं, यू नो गंगा जल भी यही है, तो तुम्हारा भी शुद्धिकरण हो जाए. तो इसलिए मुझे भी बोल दिया जाता है शुद्धिकरण करने के लिए. ये तो ट्विस्ट है, ये तो ट्विस्ट है. ये तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑल ऑफ अ सडन मुझे भी नहीं पता होता, क्योंकि वो एसिड मैंने खुद अपने हाथ से मिलाया होता है और वो बाल्टी कब चेंज हो गई या पानी कब चेंज हुआ मुझे कुछ आइडिया नहीं है. बट इतना पता है कि जब बिहार मेरे मुंह पे पानी डालने वाला होता तो मुझे लगता है कि शायद आज मेरा चेहरा बचेगा ही नहीं. और हमारे शो में एक ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आज नहीं तो कल आपके साथ भी ऊपर वाला ऐसे ही गलत कर सकता है. सो डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग विद एनीवन.